तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सर एक बात बताइए कि जो हप्पू सिंह का कैरेक्टर है आपका, और उसका जो इतना सारा तकिया कलाम आ जाता है, कुछ कुछ चीजें हैं, निछावर लेना, अरी दादा, चिरान, कुछ कुछ राइटर्स, ये सब कहां से निकला है सर? हाँ, ये ऐसे ही इम्प्रोवाइज भी हमें, तो चूंकि कॉमेडी शो है, एक अच्छी बात यहाँ इस टीम में ये है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अपने अंदर से आपके आ गया, तो वो भी रख लिया जाता है। और मेरे तो ज़्यादातर वो डायलॉग हिट हैं जो अचानक से वहीं पैदा हुए, जो थे ही नहीं। और कुछ हमारे शो के जो राइटर हैं, उन्होंने भी इतना अच्छा लिखा है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो जब पहले दिन ही हम सीन जब कर रहे थे, तो बहुत फास्ट मैंने बताया कि बहुत एनर्जी से, बोले नहीं वो बड़ा आलसी दर होगा है। तो वो जो साइटिका का पेन, टिपिकल गांव की कस्बों की औरतों में नहीं होता, वो जब वो उठती बैठती तो कराते, तो मैंने पहले सीन में कई बार अरे भगवान भी बोला है। उठती बैठती जब आप कराते हो ना, आपकी थोड़ा सा पेन, तो वो दर्द लेके, और कई बार मेरे मुंह से अरे दादा निकला, अरे हाँ, ऐसे में पहले सीन में ऐसे भी बोला, अरे अरे भगवान। कई बार ये है कि ठीक है करेंगे, अरे दादा, वो अरे दादा बच्चा बच्चा। आज मैं छोटे से छोटी जगह, जब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे वर्दी पहन के मेरे लंबे लंबे फोन कट मुझे एक बार में सुना देते हैं, जो दरोगा फोन पे बातें करता है, लंबे लंबे फोन कट, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एज का दर्शक पसंद करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि बुजुर्ग तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी भी, मतलब जहाँ की ये भाषा है, यूपी और एमपी में तो हिट है ही, लेकिन ऐसी जगह मुझे जब आता टिपिकल कोलकाता या कहीं से भी, कि यार मैंने कहा इनको तो वो भाषा भी नहीं आती। वो कहते जब आप नहीं भी बोलते हो ना, सिर्फ स्कूटर घसीटते हुए आते हो, तो भी हमें हंसी आती है। आपके जब डायलॉग नहीं भी होते हैं ना, तब भी हम आपके एक्सप्रेशन देख के ही हंसते हैं, तो वो खुशी होती है। लाइन तो 15वीं बार में याद करके बच्चा भी बोल देगा। सर भैया फोन कट वाली बात बता रहे थे, वो क्या डायलॉग है सर, अगर आप एक बार ऑडियंस को? यार बहुत सारे फोन कट हैं, लेकिन एक बार ऐसी फोन तिवारी को बोलता है, जब ये शो नहीं आया था, सब गोरी मैम का दीवाना था, तो बीबी भी आ गई, तो गुलफाम कली का कोठा भी बंद हो गया, वरना दरोगा कोठे में ही पड़ा रहता था पहले। तो तिवारी को बोलता है कि चूंकि गोरी मैम को बहुत पसंद करता है, और विभूति जो करेक्टर नल्ला, उसको बोलते बेरोजगार है, काम नहीं, नल्ला बोलते हैं। तो ये एक बार ऐसे बोलता है तिवारी को कि अरे यार क्या बताएं भैया तिवारी, का कट पीस पटाई है सारे नल्ला ने, गोरी मैम कसम से कह रही इतनी गोरी है कि ससुर अंधेरे कमरे में घुस जाए तो बिजली जलाने की जरूरत नहीं है दादा, लेकिन जब नल्ला की देखो, सारी की किस्मत देखो, जब वो देख के सारी एक ही कहावत याद आती है कि चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमिया खा गए ठलुआ, और गोरे लोग देखते रह गए, गोरी ले गओ कलुआ। अलीगढ़ के मनोज संतोषी, कमाल का कैरेक्टर लिखा है उन्होंने, कि जो लोग न्योछावर लेना, नौनौठैया बच्ची, सब उनका ही दिया हुआ, ये मेरा नहीं। मेरे तो छोटे का भी कुछ इम्प्रोवाइज दिमाग में आ गया, तो वो है अच्छे लोग, नहीं तो कई लोग होते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग है कि उनको पता है, क्योंकि सब टीवी में इतना हमने 7-9 साल काम किया, तो उन्हें भी पता है कि ये क्या कर सकता है। हाँ, ये बुंदेलखंडी में है ना, ये बुंदेलखंडी, भाषा हमने पूरी एक तरह से बोल के बताया, उनको अच्छा लगा। झांसी में, वैसे झांसी में बुंदेलखंडी बोली जाती है सर। हाँ, वो अलीगढ़ के, उनको भी ये भाषा मालूम है, वो ब्रज भाषा और बुंदेलखंड का एक मिक्स है। मतलब ये आपका इनपुट था कि बुंदेलखंडी, मैंने शशांक जी को बोल के बताया था। हाँ, पहले उनको नहीं था कि ये भाषा में ही करना है, बोला उनको अच्छा लगा, तो मनोज जी को भाषा भी आती थी, लोगों को इतना पसंद आया, तो भाषा में, उसके बाद तो वो एक दो उस चैनल पे और भी शो बने, वो गुड़िया करके एक शो था ग्वालियर का, उस भाषा में कई फिर और भी शोज आए हैं। हप्पू सिंह गोरी मैम के पीछे, मुंबई आए थे थिएटर में, या वो भाषा बोलने में शर्म फील होती थी, लोग डांटते थे कैसे बोलते हो यार, आगे को आंगे, कूदना को कूदना बोलते हैं वहाँ, आंगे है आंगे निकल जाओ, इस टाइप की भाषा, लेकिन वही भाषा लोगों को पसंद आई, तो वो टिपिकल वही ज्यादा चल रही है। वो भाषा का बहुत बड़ा योगदान है इस कैरेक्टर को हिट होने में, ये नहीं कि सिर्फ मैंने किया और चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। लोग जिन्होंने लिखा है, जो इस शो के डायरेक्टर रहे हैं शशांक बाली, उन्होंने बड़ा कमाल का करवाया है, टाइम देके करवाया है, ये नहीं कि यार एक दिन का रोल है, इसको तो निपटाई दो, बाकी पे ध्यान दो। जब आप छोटे से छोटे कैरेक्टर पे भी ध्यान देते हो, तो शो लंबा चलता है ना,
एक टाइम की बात तो नहीं तो बोर हो जाते ना लोग। नहीं इसमें शो तो है ही, आपका कैरेक्टर भी बहुत है, बाल ऐसे लटके हैं। हाँ, मुझे तो उसका काम था मारा FIR में, तो ऐसे मैंने इसमें भी बनाया, उनको अच्छा लगा। और मूंछ का आइडिया मुझे वो आया, वो कार्टून आता था मोटू पतलू, तो मोटू की मूंछें सेम ऐसे ही हैं, वो ऐसे आके उठी हुई, तो मूंछ का आइडिया मुझे वहां से आया। सर बोले यार तुम बड़े यंग दिखते हो, तो एक पेट लगा लेंगे थोड़ा सा, वो फनी लगेगा। तो वो पेट, फिर बालों में, वो तो बाल मैं ऐसे ही बना के, क्योंकि रोज का काम था हमारा FIR में। लोग आते थे, आज आड़ा तिरछा दामाद बने हो, कभी आप फाइनेंसर बने हो, कभी डॉक्टर बने हो, कभी वकील, तो आए दिन विग या कुछ ना कुछ उठा पटक करनी ही होती थी। देखा, मजा आया ना? तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।